सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कर्मचारी करेंगे न्याय आपके द्वार शिविरों का बहिष्कार। नशा मुक्त हनुमानगढ़ को लेकर पायलट प्रोजेक्ट तैयार, राजस्थान युवा बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने दी जानकारी। फतेहपुर सरपंच के खिलाफ पंचों ने वापिस लिया अविश्वास प्रस्ताव, जिला परिषद पहुँच जताई सहमति। आयोजन अधिकारी कार्यालय में संगठन के पद समाप्त करने का विरोध, मंत्रालय कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। और समाचार विस्तार से, राजस्व कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और जमकर नारेबाजी की। राजस्व कर्मचारियों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। राजस्व कर्मचारियों का कहना था कि सरकार प्रदेश भर में राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे, उसके बाद ही शिविरों का आयोजन करे। आक्रोशित कर्मचारियों ने 8 मई तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं होने पर न्याय आपके द्वार शिविरों का विरोध कर कलेक्ट्रेट की समक्ष धरना देने की बात कही। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष, हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष। आवाज दो कर्मचारियों और अधिकारियों की 3 वर्ष से लंबित मांगों पर राज्य सरकार को बार बार ज्ञापन देने के उपरांत तथा बार बार मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय से मिलने के उपरांत भी राजस्व की मांगों पर राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजस्थान में गवर्नमेंट राजस्व अभियान 8 मई से 30 जून तक चला रही है, परंतु आज की स्थिति यह है कि पूरे राजस्थान में 6000 पटवारियों के पद रिक्त हैं। एक पटवारी के पास 3-3 हलकों का कार्यभार है। राजस्थान में 1500 भूभिलेख निरीक्षकों के पद रिक्त हैं। राजस्थान में 450 नायब तहसीलदारों के पद रिक्त हैं तथा 200 तहसीलदारों के पद रिक्त हैं। राज्य सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम राजस्व अभियान चलाकर आम जनता को राहत देना चाहते हैं। राज्य सरकार आम जनता को राहत तभी दे सकती है जब पहले रिक्त जो राजस्व के पद हैं उन पदों को भरा जाए, और उसके बाद में अगर सरकार को अभियान चलाना चाहिए। राज्य सरकार पटवारी, गिरदावर और नायब तहसीलदार, तहसीलदार के वेतनमानों के अंदर संशोधन नहीं कर रही है। सबसे ज़्यादा काम करने वाले कार्मिकों का वेतन अनुपात के अंदर दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों से कम है। राजस्थान के समस्त पटवारी, राजस्थान के समस्त कानूनगो, राजस्थान के समस्त नायब तहसीलदार और राजस्थान के समस्त तहसीलदार 8 मई को राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभियान चलाया जा रहा है, उस 8 मई से पहले राजस्व सेवा परिषद से बात कर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो 8 मई को समस्त हनुमानगढ़ जिले के पटवारी, गिरदावर, कानूनगो, तहसीलदार जिला कलेक्टर महोदय के सामने धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह 33 जिलों के अंदर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा तथा आगे राजस्व अभियान का संपूर्ण कार्य का हम बहिष्कार करेंगे। और राजस्थान भू अभिलेख संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ, तीनों संघ हम मिलकर 8 मई से जो अभियान है उसका बहिष्कार करेंगे। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो 8 तारीख के बाद 8 तारीख से भी अभियान को नहीं लगाएंगे। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा, ताकि नशे से ग्रस्त युवाओं को नशे से बाहर निकाला जा सके। इसके तहत राजस्थान युवा बोर्ड के वाइस चेयरमैन संदीप यादव हनुमानगढ़ पहुंचे। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत राजस्थान युवा बोर्ड पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा। युवा बोर्ड के वाइस चेयरमैन संदीप यादव आज हनुमानगढ़ पहुंचे और युवा मोर्चा के साथ बैठक की। वाइस चेयरमैन संदीप यादव ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और गांव तक टीम द्वारा सर्वे किया जाएगा, ताकि नशे से ग्रस्त युवाओं का पता लगाया जा सके। इसके बाद नशा मुक्ति कैंप, मेडिटेशन और चिकित्सीय टीम के जरिए नशा छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में युवा मोर्चा अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष रामेश्वर चावरिया, पारितोष सारस्वत, प्रकाश तंवर सहित युवा मोर्चा टीम उपस्थित रही। राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से हनुमानगढ़ जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक स्पेशल योजना चलाई जा रही है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के जो हमारे युवा साथी है जो नशे से ग्रसित है, उनके संदर्भ में नशा मुक्ति कार्यक्रम
राजस्थान युवा बोर्ड के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें उनको हमारी टीम जाएगी, सभी जो हमारे युवा स्वयं सेवक है वो लोग जाएंगे विद्यालयों में, कॉलेजों में, सब जगह जाके वो सर्वे करेंगे, गाँव में जाके सर्वे करेंगे, और जो नशेड़ी जो हमारे साथी है जो नशा करते हैं उनका सर्वे करके और उन लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसके अलावा चिकित्सक दल और टीम भी हम भेजेंगे, जो जिससे कि हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाया जा सके। जिला हेडक्वार्टर पर कार्यालय भी बनेगा और इसके लिए कैंप भी आयोजित हम करवाएंगे। राजस्थान युवा बोर्ड के वाइस चेयरमैन संदीप यादव एडीएम भागीरथ शर्मा से मिले। बैठक में नशा मुक्त हनुमानगढ़ को लेकर पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा की। बैठक में युवा मोर्चा सदस्यों का कहना था कि नशीली दवाओं के सेवन का चलन बढ़ गया है। जब से पोस्ट का नशा बंद हुआ है तब से युवा मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली नशीली दवाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग जाते हैं 10 रुपये लेके 2 खुराक दे दे, 20 रुपये दे दे, 4 खुराक दे दे, फिक्स है सभी मेडिकल वाला। और जब से ये पोस्ट और ये बंद हुआ है ना उसके बाद में तो सब बुरा है। गांव फतेहपुर की सरपंच परवीन कौशिक के खिलाफ पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया है। इस संबंध में सरपंच सहित वार्ड पंच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिलने पहुंचे और पूरे मामले से अवगत करवाते हुए सहमति पत्र सौंपा। गांव फतेहपुर की सरपंच परवीन कौशिक के खिलाफ 9 वार्ड पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। बताया गया कि फतेहपुर में विकास कार्यों को लेकर सरपंच और वार्ड पंचों में आपसी विवाद चला और 9 वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया। जिला परिषद पहुंचे पूर्व सरपंच व वार्ड पंचों ने अब सरपंच परवीन कौशिक से विवाद खत्म हो गया है, उन्होंने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया और सहमति जताई है। वार्ड पंचों का कहना है कि अब विकास कार्यों को लेकर जो शंकाएं थी वह दूर हो गई और सहमति बन गई है। को सभी पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया था सरपंच मेरे खिलाफ मतलब, और अब आज 3 तारीख को सबने सहमति से मेरे साथ सहमति कर ली है पूरे वार्ड पंचों। तो जो गांव के काम पेंडिंग थे वो कैसे काम जो पेंडिंग थे काम तो फिलहाल हमने किए हैं। 1-2 पेंडिंग थे वो हमारा सचिव का थोड़ा सा चल रहा था, वो अब सेटिंग हो गई। अब जो भी पेंडिंग काम पड़े हैं वो सब अब हम शुरुआत करेंगे उन सब काम। और 25 तारीख को हमारे द्वारा सीओ साहब को अविश्वास पत्र दिया गया था और उसके तुरंत 2-4 दिन बाद हमारा अब सहमति पत्र आज हमने दिया है। तो उनको हमने आज लिखित में दिया है कि हमारा जो अविश्वास पत्र था उसे वापस लेने का ऑर्डर निकाले जाएं। और इसी मैटर में आज हम सीओ साहब को सभी वार्ड पंच मिले और 9 वार्ड पंचों ने ही अविश्वास पत्र जारी करा था। आज 9 ही वार्ड पंच इस पत्र जारी रखा था जो सरपंच के खिलाफ, वो हमने सब वार्ड पंचों ने मिलकर रखा था और आज हम फिर दोबारा वही वार्ड पंच मिलके किसी के आ के चक्कर में वो वापस ले रहे हैं हम अविश्वास जारी पत्र। और आगे से काम सरपंच साहब भी कह रहे हैं बढ़िया होंगे और सब वार्ड पंचों को मिलकर साथ चलेंगे। इस सहमति से हम सब वार्ड पंच मिलके उनके साथ चले और हमारा अविश्वास पत्र वापस लिया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय में स्थायी मंत्रालय कर्मचारियों के पद अनावश्यक रूप से समाप्त किए जाने का विरोध किया है। कर्मचारियों द्वारा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के नाम ज्ञापन SM को सौंपा गया और श्रमिकों के पद बहाल करने की मांग की गयी। एकता मंत्रालय कर्मचारी एकता आयोजना जो विभाग है उसमें LDC का जो है पद समाप्त कर दिए गए 8 जिलों में, उसके विरोध स्वरूप हमने ये माननीय राजेंद्र राठौर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री के नाम हमने एक ज्ञापन सौंपा है कि 27 वर्षों से उनकी पदोन्नति भी नहीं हो रही और पदोन्नति न होने की स्थिति में भी इनके जो है 8 जिलों में पद समाप्त कर दिए गए, उसमें मंत्रालय कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। का जो कार्य है वो पूरे राजस्थान के अंदर सरकार का एक अभिन्न हिस्सा है और सारा काम है वो योजनाओं से चल रहा है।
तो योजनाएं बनाने में हर विभाग से योजना लेने में और काफ़ी कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ एक एक या दो दो पद जिलों के अंदर कार्मिकों के हैं, जिसमें कनिष्ठ लिपिक समझिए वरिष्ठ लिपिक, प्रमोशन की बात तो दूर, पद समाप्त किए जा रहे हैं। अब एक आदमी एक जिले में आयोजना का प्लानिंग का कैसे काम करेगा, ये देखने वाली बात है। सुरेशिया में ट्रायल ग्लैमर कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। एसपी से मिलने पहुंची महिलाओं ने बताया कि लोन देने के नाम पर उनके साथ राहुल सोनी द्वारा धोखाधड़ी की गई, 3500 रुपए लिए गए और फिर फर्जी चेक देकर धोखाधड़ी की गई है। एसपी से मिलने पहुंची सुरेशिया निवासी इन महिलाओं का कहना है कि रॉयल ग्लैमर कंपनी के नाम से राहुल सोनी नामक युवक ने उन्हें लोन दिलाने के लिए कहा। लोन के नाम पर वह कागजात तैयार करता रहा, इसके बाद उसने 3500 रुपए ले लिए और 1 लाख का लोन देने की बात की। इसके बाद उन्हें चेक दिए गए लेकिन चेक लगाने पर कोई पैसा नहीं आया। मामला 4 जनवरी का है, अभी तक उन लोगों को कोई लोन नहीं मिला है। एसपी ऑफिस पहुंची महिलाओं ने रॉयल ग्लैमर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोनी उसने क्या हमारे को बकाया में ले लिया और 2500-2300 रुपए लेके उसको गए, इधर को लाख रुपए का लोन दुआऊंगा 3500 रुपया, और एसपी साहब के मिलने के लिए नहीं तो थाने में सुनाई हुई हमारी, कहीं भी नहीं, आधे लोगों ने पैसे ले लिए और आधे को दे दिया, आधे को नहीं दिए, और बोले तुम्हारे को भी जल्दी पैसे दिला दूंगा। पहले महीने से लेकर 5-6 महीना चल रहा है, उसने कोई पैसे नहीं दिया। मेंबर बनाए उसने, 5 मेंबर बनाए, 5 के अंदर बोले तुम्हारे को लोन दुआ दूंगा, और ये ज्वेलरी का मुद्रा लोन बोला था उसने, लोन दुआ दूंगा तुम्हारे को, इतने पैसे पहले ले लिए हमारे से, पहले लेने के बाद उसके बाद में वो वहाँ से गए। 5 जनों से पैसे लेके 3500-3500 रुपये और बोलिया का थाना भी लोन दे देंगे 3500 का, 1 लाख रुपये लेगा जब तो 3500 देंगे, और जो 2 लाख लेगा तो 7000 रुपया भी भर दो, भी 2 लाख रुपये थान दे देंगे। हम आना कोई 2 लाख रुपया कौन दिया और कोई की कुछ कौन दिया, आज कितना दिनों के बाद फिर थाना है, 4 जनवरी की बात है, 4 जनवरी को आज कितना दिनों के दिया नहीं, ना हमारी थाना सुनाई हुई और ना कोई भी आज उठाया, और मैंने चेक दिया, चेक भी फर्जी दिया, अभी 28 तारीख ने चेक लगायो, कोई पैसा को नहीं है। चेक टाउन में राहुल सोनी का एक ज्वेलर की दुकान भी है और जंक्शन बस स्टैंड के सामने ओबीसी बैंक के ऊपर इनका ऑफिस है। राहुल रॉयल ग्लैमर के नाम से इन्होंने कंपनी खोल रखी है। मेरे वार्ड 44, 45 और 42 के लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ है, और थाने में हमने एक परिवार दिया था जिनमें कुछ लोग अपने राव सर के थे, अपने राव सर के पास के लोग थे, कोल्ला के लोग थे, उन लोगों को तो पैसे दे दिए गए हैं, हमारे लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। जो लोग प्रभावशाली थे वो तो अपने अपने पैसे निकलवा कर इन लोगों से लेके चले गए हैं, और हमारे जो वार्ड लोग वार्ड के जो गरीब लोग हैं उनके पैसे अभी तक फंसे हुए हैं। भादरा में चल रही विद्युत कटौती का विरोध किया जा रहा है। किसानों ने बुधवार को किसान नेता कमेंट बलवान पुनिया के नेतृत्व में कोगामेड़ी स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए विद्युत कटौती बंद करने की मांग की। किसानों ने विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर सहायक अभियंता भूराराम चौधरी कनिष्ठ अभियंता के साथ कार्यालय के मुख्य द्वार पर किसानों की समस्याओं को सुनने आ गए। पुनिया ने विभाग द्वारा पिछले 2 दिनों से जारी विद्युत कटौती पर भारी नाराजगी जताती हुई ढाणियों में रहने वाले किसानों को शीघ्र ही कनेक्शन जारी करने की मांग की। पुनिया ने कहा कि अनुसूचित जाति के किसानों को शीघ्र ही विद्युत कनेक्शन देने के नियम हैं, परंतु पैसे जमा करवाने के बावजूद भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सहायक अभियंता ने किसानों की समस्याओं को शीघ्र ही निस्तारण का भरोसा दिलाया। कितना दिन रहेगी तू फाइनल ना काटो जी बात है एलडी बात चले एलडी कटो मतलब लाई गल उठे कटगी तू फाइनल बनो ना काटो नहीं आ तो दे दो फिर छोटो मोरियो मोरियो तेने में मोरियो आ बाद में लाइट आई है अभी क्लास लेने खाई के थे क्लास लियो मैं छोरांगी के बेटा काम करो सारा का सारा टबरिया पालो थे बार कहते हो नागौर मारियो हां थे नागौर मजा मजा सी के थाने थे आको बने छोरा लाइन मैंने टबरे मन भेरो कोनी बुढाणी कोरी है सीधा दायरे में नहीं पाची रसीद कटाई ले सके बाकी 100 मीटर के दायरे में डाणियां की कोई शर्त को नहीं होगी कि 1 डाणी 2 डाणी 3 डाणी 4 डाणी इन कार्यालय और भादरा इन कार्यालय में
क्षेत्र में कल लगातार पूरे दिन में और रात को भारी बिजली कटौती के खिलाफ ये किसानों का और आम जनता का आक्रोश था। हमने आईएएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया और हमने मांग की है कि बिजली की आपूर्ति गर्मी के समय में सुचारू रखें। भारी बिल बिजली के आने के बावजूद लोगों को गर्मी का बिजली का आनंद नहीं मिले, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत जो यह है कि पिछले 3.25 साल में बार बार सरकार के थोथी घोषणाओं के बावजूद अभी तक ढाणियों में कनेक्शन के एस्टीमेट चल रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब ढाणियों में कनेक्शन के लिए ये योजना आई है, ये योजना आई है, कल तकमीना हुआ है, परसों उसकी फाइल बनी है, फिर उसका डिमांड नोटिस निकालेंगे, फिर उसका कनेक्शन करेंगे। लेकिन अभी तक ढाणियों में कनेक्शन की बात बहुत धीमी है। जिन्होंने पैसे जमा करा दिए उनके भी कनेक्शन नहीं हो रहे। कृषि कनेक्शन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के आदमी को कृषि कनेक्शन पर फौरन पैसे जमा कराने के बाद कनेक्शन मिलता है। लेकिन अभी हमने एएन साहब को निवेदन किया है कि पिछले 1-1.5 महीने पहले शेड्यूल कास्ट के कम इस एएन कार्यालय में 20 लोगों ने कृषि कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हुआ है और उसका डिमांड नोटिस उन्होंने जमा करा दिया, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं है। उसकी मुख्य वजह यह कि सामान की सप्लाई नहीं है। क्या बात यह कि सरकार अपनी घोषणाएं पूरा करे तो लोगों को ये लगे कि सरकार है, सरकार नाम की कोई चीज है। अभी तक ये स्थिति लग नहीं रही है। कर्मचारी हैरान है, कर्मचारी परेशान है, इसलिए परेशान है कि उनके पास सामान नहीं है, राशन नहीं है। इसलिए हम राजस्थान सरकार से कहना चाहते हैं, आप सामान और राशन उपलब्ध कराएं और जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएं। गर्मी के मौसम में रात में और दिन में बिजली नहीं दो। एक छोटी सी आंधी आ गई के साहब तूफान आ गया, कोई तूफान नहीं है जी, आपकी नियत में खोट है, आपने बिजली कहीं बेच दी। आप गर्मी गर्मी में बिजली दूसरे स्टेटों में बेचोगे, हमें गर्मी मारोगे। जिला क्लब मैदान में आज पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हुए परिंदे बांधे गए। इस अवसर पर आमजन से पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की मांग की गई। सही था, आप मेरे को कल कह देते ना। क्लब हनुमानगढ़ दोनों ने संयुक्त रूप से जिला क्लब में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और एक उनका अभियान है कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो पक्षियों को बचाना अति आवश्यक है। पक्षी हमारे एक परिवार का हिस्सा है। बदलती हुई हमारी जीवन शैली या शहरों का ज़्यादा विकास होने से जो शहरों में कस्बों में तालाब होते हैं वो तालाब खत्म हो गए, तो पक्षियों के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी वो पानी कहाँ से लें। और अधिकतर पानी में भी कीटनाशक मिला हुआ था है और अधिकतर पक्षी मर भी जाते हैं। आज पूरा हनुमानगढ़ पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फसल काटने के बाद जो आग लगाई जाती है उससे बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं और उससे गर्मी का तापमान भी बहुत बड़ा हुआ है। तो मैं आज जंक्शन की नई कुंजा में शराब ठेके की खोली गई ब्रांचों का विरोध किया जा रहा है। वाटिंग के बाशिंदों ने एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों का कहना है कि शराब ठेके की अवैध ब्रांचें खोली गई हैं, जिससे पूरा माहौल खराब हो रहा है। वहीं इन ब्रांचों पर देर रात तक शराब की अवैध बिक्री की जाती है। इंग्लिश और देसी ठेके जो हैं वो एक ब्रांच है और आपका रिएक्ट के मुताबिक किसी भी मोहल्ले में ब्रांच नहीं खुल सकती है, क्योंकि इनकी जो मेन शाखाएं हैं वो एक तो इंडस्ट्री एरिया में एक गली चक्की पर है। इसके बावजूद भी इन्होंने ब्रांचें खोल रखी है और हमने बार बार प्रशासन से निवेदन किया है कि ब्रांच जो खोलना वो अनलीगल है, लीगल नहीं है। और हम समस्त मौलानवासियों ने आज भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये निवेदन किया है कि ये जो अनलीगल ब्रांचें खुल रही हैं इसको बंद किया जाए। और तो और 8 बजे के बाद भी इन्होंने अपने ठेकों के पीछे जो है वो बियर बार से खोल रखे हैं, वहाँ लोगों को 8 बजे के बाद पिलाते हैं। पास में रामदेव जी का मंदिर है, प्राइमरी स्कूल है, आबादी क्षेत्र है, वहाँ जब रात को 12 बजे तक दारू चलती है तो उसके बाद दारू पीने के बाद आपस में लड़ते भिड़ते हैं, दंगा फसाद होता है, जिससे मोहल्ला निवासी काफ़ी परेशान। इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।